हेलो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मैं शांति कुमार देव उत्तराखंड मेरे चैनल साथी को आप ब्लॉग में। आज हमारे चंद्रांग लगा 14 दिन है। आज हमारे राम जी आ रहे हैं 14 साल का वनवास आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो अभी जा रहे हैं वो झांकी लेके जा रखे हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मंच में। तो अभी आएंगे हमारे राम जी की झांकी अभी आएगी। और चलो मिलाती हूँ। तो अभी फिलहाल अभी आप लोग यहाँ की सजावट देखिए ना कैसी है। यहाँ की सजावट से अच्छे से सजा रखा है। यहाँ बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारी समिति। अपना समिति वालों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। चलो भोगरियाल जी उनका भी पूरे पात्रों की तरफ से और हमारे सम्मानित सभी अध्यक्ष महोदय की तरफ से, सचिव साहब की तरफ से और पूरी हम सब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं उनका भी, श्री पोखरियाल जी का। ये और पूरे करने के बाद अपने नगर अयोध्या वापस अपने घर आ गए हैं। उनका एक बार जयकारा के साथ उनका जो है प्रभु का नाम लीजिए। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो चंद्री सीता मैया की, बोलो बोल चंद्री लक्ष्मण की, बोलो पवन सुंदर हनुमान की, बोल बाबा की, वो शंकर भगवान की, वो पार्वती माता की। वासियों की तरफ से, सम्मानित युवाओं साथियों की तरफ से अब आगे मैडम मास्टर श्री गिरीश जोशी जी, सभी मंडलों के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष, अरे आज जाएंगे खड़े हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सभी मंडलों के वो यहाँ पे आ जाए। उनके द्वारा ये रिपन जो है तीसरे द्वार का सीक्रेंस किया जाएगा। बात नहीं है, हमारे जनता जनार्दन है, मातृशक्ति है, कोई भी खड़े हो सकती है उनके साथ। और हम आगे अपने अपने स्थान पे मातृशक्ति एक बाणर आया है आपके दर्शन करना चाहता है और अपना नाम हनुमान बता रहा है। क्या कहा हनुमान, जाओ उसे शीघ्र बुला लाओ। और माता सीता हैं। हाँ भगवान प्रभु राम और सभी लोग कुशल से हैं। वे मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। मुझे यही समाचार सुनाने भेजा है कि हम मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान जी आपने मेरे दुखी हृदय को यह समाचार सुनाकर प्रसन्न कर दिया है। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। भगवान इस सेवक को लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका चरणों का सेवक हूं। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य का पालन किया है। अच्छा भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु रामचंद्र जी को साथ लेके आऊंगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, माता प्रणाम, माता प्रणाम, माता जी गुरु जी प्रणाम।
आयुष्मान हो। आ गया माता जी प्रणाम। आयुष्मान हो माता जी प्रणाम। आयुष्मान माता जी प्रणाम। आपके दर्शन हुए भरत तुम सा भाई पाकर मैं धन्य हो गया। अच्छा जाओ और माता जी के भी दर्शन कर लो। मैं आज तुम्हें वास्तविक सत्य बताता हूं, यह सब मेरी ही लीला थी। रावण का वध करने हेतु मैंने यह रूप धारण किया था। तो बेटा यह बात थी, अपने आप यह चक्कर चलाकर मुझे क्यों अपीएस का भाग्य बनाया। अब मैं तुम्हें दंड देती हूँ। माताजी, आप मुझे जो भी दंड देंगी मुझे सहर्ष स्वीकार है। बेटा एक बार मेरे गर्भ में जन्म लेना होगा। माताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु दूध में अपनी माता का ही पीऊंगा। बेटी सीता आओ विश्राम करो। वो कौन होती है किले यहाँ पे आ जाए। कर दो करते हुए भगवान
ये मेरी ओर से एक उपहार। भगवान मैं आपके चरणों में रहूंगा। भगवान भगवान मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। भगवान नारी नारी प्रभु सुधी आनंद
निज निज घर जाओ सकल सभा के नर और नारी रहो सुखी आनंद सुखारी घर में आप धन मोक्ष बढ़ाई मोक्ष